तो दोस्तों दोनों ही बच्चे काफी हद तक फुल कवर हो चुके हैं, बस किसी भी दिन ये भी बाहर आ जाएंगे। और इनकी फीमेल जो है भाई, मुझे लग रहा है इनके अच्छे से केयर शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि इनकी चोंच मुझे थोड़ी सी गंदी नजर आ रही है। इसकी चोंच देखिए काफी ज्यादा मुझे गंदी छंदी नजर आ रही है, भाई ये मादी इसको खुद ही साफ कर लेगी। यार यहाँ पे हमारी अकेली ही दोस्तों फिंच बंद हुई हुई है, ना ही इसमें पानी की सेटिंग है और ना ही इसमें खाना खाने की सेटिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ यार, इसको हम लोग नए केज में छोड़ते हैं, मतलब जो हमारा खाली केज सामने लगा हुआ है ना, अभी वो निकालता हूँ और अपनी फिंच को उस केज में छोड़ देता हूँ। चलिए जी, फिंच को निकालते हैं और अपने नए घर में इसको भी छोड़ते हैं। भाई आ जाओ भाई फिंच, अब इसको पकड़ना भी कोई आसान नहीं होता है भाई। चले जी, फिंच को हमने पकड़ लिया दोस्तों। ये देखिए जी कितनी प्यारी सी और छोटी सी हमारी फिंच है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को याद होगा हमने इस फिंच को कितनी ज़्यादा बरसात के अंदर लिया था, और ये चार फिंचेस दोस्तों मैंने ली थी, जिसमें से तीनों मर गई और ये बेचारी अकेली एक हमारी एक फिंच बची है खाली। अब इसके लिए ये वाला घर इसके लिए सही है, क्योंकि इसके अंदर पानी का भी बर्तन लगा हुआ है और खाने का भी बर्तन लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो भाई हम लोगों ने दोस्तों न्यू केज जो तैयार किया है, यानी केज में जो हमने पार्टीशन कराया ना दोस्तों, वहां पे मैंने क्या चीज़ बंद की है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फीमेल जो है ना जाने क्यों इधर परेशान परेशान लग रही है यार, ये देखें वहाँ बैठी हुई एगलिंग के ऊपर और अभी यहाँ पर उड़ के आ गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये अपने मेल को ढूंढ रही हो। तो भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ केज फटाफट खोल के। ये हमारे न्यू केजेस का काम तैयार हो चुका है दोस्तों, और मैंने कल रात यार अपने पिजन्स को दोस्तों इस तरह बंद किया हुआ था, और आप देखें कितनी ज़्यादा इन्होंने गंदगी कर दी है, मतलब ये 12 घंटे की गंदगी है इनकी सारी। तो भाई ये देखें दोस्तों, इस तरह का लुक आ रहा है हमारा केज बनने के बाद। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये केज हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग अपने पिजन्स को बंद करेंगे फिलहाल, और इसके बाद अगर हम कोई चूज़े वगैरह भी लेके आते हैं मार्केट से जाके, तो यार आपको पता है दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बंद करने के लिए। तो भाई ये केजेस जो है हमारे चूज़ों के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। और देखें उसको, देखें वो पेज खुलते के साथ ही ना दोस्तों हमारा मेल फ़ौरन वहाँ अपनी फीमेल के पास गया है मेरे ख्याल है। दोस्तों अगर ये एक साथ खड़े हो जाते हैं ना यार, मुझे समझ नहीं आता है कि ये मेल है या ये फीमेल है। मुझे लग रहा है भाई ये मेल है और ये जो बैठी हुई है ना ये फीमेल लग रही है मुझे। आ जाए इसके अंडे भी देखते हैं यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो भाई ये रखे इसके अंडे, और भाई अंडों की दोस्तों ये केयरिंग बहुत अच्छे से कर रही है हमारी फीमेल। तो भाई तुम अपने अंडों पर जाके बैठ जाओ, अभी तुम्हें तुम्हें खुराक भी दे रहा हूँ, रुक जाओ। मुझे लग रहा है दोस्तों ये जो है ना भाई मेल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि देखिए जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना मेल भी बाहर आ गया है और फीमेल भी। अभी देखिए वापसी ना अंडों पे जाके बैठ गई है, देख रहे हैं आप, ये देखें सर। तो आज दोस्तों हम लोग फिर से भाई अपने लव बर्ड्स के बच्चे देखने वाले हैं, मतलब हमने जो नेस्टिंग चेस्टिंग लगाई थी, तो आज देखते हैं भाई बच्चों के क्या पोजीशन है अंदर। तो आ जाए जी, निकालते हैं बॉक्स को और देखते हैं अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बच्चे तो मुझे बिल्कुल सेट नज़र आ रहे हैं दोस्तों, और ये देखें भाई आप लोग भी देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और नेस्टिंग दोस्तों सारी साइड में लगा देती है फीमेल जो होती है ना, पता नहीं क्या करती है यार। चले खैर, जहाँ इसको भाई सही लगे वो ठीक है। और हमने दो अंडे जो ख़राब हो गए थे दोस्तों वो मैंने फेंक दिए थे, और बच्चे तो माशाल्लाह सेट हैं, तो बस यही देखना था मुझे। तो इसको वापसी लटका देते हैं भाई। ये लो भाई तुम्हारे बच्चे कहीं नहीं गए, हमारे पास ही हैं। तो भाई यहाँ पे हम अपने आज जो है ना रैबिट की सेटिंग करेंगे, मतलब इनको पानी शानी अच्छे से देंगे और इनके केज की थोड़ी सफाई वफाई भी करेंगे भाई। तो ये गंदगी देखें इन्होंने कितनी ज़्यादा कर रखी हुई है। ये इनके पानी रखने की जगह है, ताकि इनके पानी का बर्तन जो है ना दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, वरना क्या होता है ये गिराते रहते हैं यार। देखिए मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही होता है दोस्तों, इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। भाई रॉकेट इतने छोटे से क्यों मार रहे हो रैबिट को यार, रैबिट को नुकसान कर रहा है, क्या कर रहे हो रॉकेट? रॉकेट तुम्हें यहाँ पे छोड़ा है इसलिए नहीं छोड़ा है कि तुम इनको मारो,
अभी तुम्हें बाहर निकाल दूंगा इधर से। मैं यार रॉकेट दोस्तों मुसलसल हमारे रैबिट को तंग किए जा रहा है भाई, इसको बाहर ही निकाल देता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे हो, अभी तुम्हें भी मैं खुराक दे रहा हूँ। पहले तुम्हें अपने केज में जाना पड़ेगा खुराक खाने के लिए, ठीक है। यहाँ नहीं डालूंगा, असल में दोस्तों यहाँ पे ये क्यों आया है, इसको भाई यहाँ पे खाने की ना आदत पड़ी हुई है, मगर अब इसकी आदत मैं बदल दूंगा, क्योंकि भाई इनका केज ये वाला मैंने बनाया ना, तो इसी के अंदर पानी और खाना दोनों चीज़ें तो मैं रखूँगा। मैं आ जाओ तो भाई डायमंड, चलो भागो। ये देखिए ये देखिए इसके काम देखे जरा। तुम बार बार शेरा हमारे पिजन्स को डिस्टर्ब किए जा रहे हो यार, तुम्हारा घर नीचे है उनका घर ऊपर है यार, तुम अपने यहाँ पे रहो आराम से यार, तुम वहाँ भाग जा रहे हो। ये देखें हालांकि भूखा हो रहा है फिर भी अपने घर में नहीं जाके खा रहा, इसके अंदर घुसेगा ये। लगता है दोस्तों हमारे मेल पिजन्स का बिल्कुल भी अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मुसलसल कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है तो कभी इधर आ रहा है, तो भाई तुम्हारा बिल्कुल भी अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा है। हाँ अभी तुम्हारा इतना अच्छा हमने केज बनाया हुआ है फिर भी तुम अंदर नहीं जा रहे हो। यहाँ पे हमारा डायमंड देखो कितना अच्छा है, अंदर जाके बैठा हुआ है आराम से। देखो डायमंड के दोस्तों मदद शेयर करें ज़रा, आप डायमंड अपने न्यू केज में कितना खुश खुश बैठा हुआ है, और तुम देखो ऊपर अकेले बैठे हो यार, तुम भी अंदर आ जाओ तो क्या जाएगा। सो फाइनली दोस्तों सारे बर्ड्स को इनकी खुराक तो मिल गई है, अब तमाम बर्ड्स हमारे खाने पीने में लगे हुए हैं। और भाई यहाँ पे हमारी फिशेस की भी आप कंडीशन चेक करें यार, अभी दोस्तों 2-3 दिन ही पहले मैंने इनका पानी शानी सब कुछ चेंज किया हुआ था, मगर इन्होंने पानी का क्या हल किया हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं, और इनकी फीड शीट भी ऊपर से डली हुई है। तो भाई सारी मछलियाँ भी हमारी नीचे बैठी हुई हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पानी ज़्यादा इतना ज़्यादा गंदा हो गया दोस्तों कि हमारी फिशेस नज़र ही नहीं आ रही हैं। इंशाल्लाह ताला दोस्तों कल हम इसका पानी भी चेंज करेंगे। सो फाइनली दोस्तों फिर अपने ब्लॉग को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया करे तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सेकेंडली दोस्तों चैनल पर जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी और कॉन्टेंट में, जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में देखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।